दोस्तों 90s के दशक में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से कुछ रोमांटिक थे तो कुछ थे एक्शन फिल्में। और उसी वक्त के सुपरहिट हीरोज के बीच में एक सुपरहिट हीरो सनी देओल थे। उस जमाने में यानी कि साल 2001 में आई डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आंधी ला दी थी। सनी देओल ने इस फिल्म के जरिए अपनी एक नई पहचान बनाई थी और यूथ में काफी फेमस हो गए थे। इस फिल्म में अमीषा पटेल को सकीना यानी कि सनी देओल के हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसने अपनी सफलता के झंडे गाड़े थे। गदर एक प्रेम कथा की अपार सफलता के बाद फिल्म के दूसरे भाग को भी लोग जमकर पसंद कर रहे हैं। गदर 2 ने लगातार 12 दिन में धमाकेदार कमाई करके साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है और ये फिल्म 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। साथ ही 500 करोड़ की जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।